तो अभी दोस्तों हम लोग जो है कि इधर आ गए हैं घाट पर और एकदम घाट के किनारे हम लोग हैं, खड़े हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। और हम लोग दोस्तों जाम में एकदम फंस गए थे, एकदम ढकेली ढकेला हो रहा था, लेकिन कैसे हम और पूरा साथ में निकले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। दोस्तों आज है पूर्णमासी, तो जो है कि सबसे पहले आप सभी लोगों को पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों चंद्र ग्रहण कल लगने वाला है, तो आज ही के दिन जो है कि हमारे बनारस में देव दिवाली मनाया जा रहा है। और देखिए सभी लोग जो है कि आज घर पे ही हैं, क्योंकि आज है दोस्तों सबकी छुट्टी, आज और कल जो है कि छुट्टी है, किशन की भी छुट्टी है। तो अभी हम लोग दोस्तों खाना वाना बना के खाली हुए हैं और मैं तो नहा धो ली हूँ, कुछ कपड़े रह गए थे तो उसको मैं साफ़ करके अभी रखी हूँ बाल्टी में, अभी उसको चलूँगी छत पे डालने के लिए। तब तक मैं सोच रही हूँ कि चलिए आप लोगों को बगीचे का नज़ारा थोड़ा सा दिखा देते हैं। इधर पापा हमारे जो है कि काम भी कर रहे हैं, तो मैं आ गई हूँ दोस्तों अपने बगीचे में। और इस समय दोस्तों हमारे बगीचे का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत हो गया है, आइए आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों बैक कैमरे से। ये देखिए अभी मैं केले के बाग में से चल रही हूँ और पूरा एकदम केले का बाग ही पापा लगा डाले हैं। और अभी देखिए यहाँ पर पापा जी जो है कि ये घास उस बीन रहे हैं, यहाँ पर खेत बना रहे हैं इसमें कुछ लगाने के लिए। इनमें क्या लगाई बाबा? लहसुन धनिया, तो इसमें शायद लहसुन और धनिया लगाने वाले हैं, देखिए क्या लगता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों इसमें पालक लगाया गया है, पालक जो है कि अभी जम रहे हैं। और इधर जो हम लगाए थे ये क्या लगाए थे, प्याज लगाए थे, ये प्याज भी जो है कि देखिए एकदम मेड़ पर लगाए हैं, ये भी पूरा निकल गया है, इसकी पत्ती एकदम हरी भरी हो गई है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। और इसकी हम रेसिपी भी बनाएंगे, अभी थोड़ा बड़े हो जाने दीजिए। और इधर देखिए मटर, ये मटर जो है कि अंकुरित हो रहा है और कुछ अंकुरित हो गए हैं, कुछ अभी निकल रहे हैं इसमें, ये देखिए। तो जब ये मटर दोस्तों बड़ा होगा तो फलेगा तो खाने में मज़ा आएगा, अभी तो देखिए काफ़ी छोटे छोटे हैं, अभी तो अंकुरित ही हो रहे हैं। और ये देखिए केले का बाग है ना खूबसूरत दोस्तों। अब चलिए चने की तरफ चलते हैं धीरे धीरे। ये देखिए दोस्तों इसमें मटर लगाया गया है और इसमें भी मटर लगाया गया है। और ये जो है कि क्यारी है, इसमें पापा सरसों लगाए हैं, इसमें देखिए सरसों लगाए हैं। और इस मेड़ पे भी देखिए दोस्तों हम ये प्याज लगा दिए हैं और इस मेड़ पे भी प्याज लगाए हैं। तो अगर इतना प्याज दोस्तों तैयार हो जाएगा ना तो बहुत होगा खाने के लिए, तो एकदम आज़ाद होगा। और इधर देखिए हमारे चने जो है कि बड़े बड़े हो गए हैं, हालांकि चना और मटर एक ही साथ लगाए थे हम लोग, एक दिन आगे पीछे हुआ था, लेकिन देखिए चने इतने बड़े बड़े हो गए हैं। अभी मटर तो कुछ निकले हैं और कुछ निकल रहे हैं। हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है दीपावली, यानी कि देव दीपावली है दोस्तों। आप सभी लोग को देव दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। हमारे बनारस में तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार तरीके से देव दीपावली को मनाया जाता है। और आज के दोस्तों खास मेहमान हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी दोस्तों, आ रहे हैं आज। आप भी गए होंगे? हाँ आप भी गए होंगे। पहले तो सुने थे हम लोग दोस्तों कि राष्ट्रपति जी आ रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी आ रही हैं, लेकिन शायद किन्हीं कारणों से अब मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं। और हमेशा यहाँ पे दोस्तों देव दिवाली पे कोई ना कोई नया मेहमान रहता है, तो हमारे दोस्तों बनारस में घाटों की सजावट बड़ी ज़बरदस्त की गई है और बड़ा बढ़िया जश्न के साथ दोस्तों आज वहाँ पर मनाया जाएगा। हम लोग तो दोस्तों नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है और शाम को दोस्तों हम लोग साथ में बिजी हो जाते हैं, जा नहीं पाते हैं, जाम बहुत ज़्यादा आज दोस्तों शहर में रहेगा बनारस में, और प्रदूषण भी दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज, तो पटाखे भी बहुत ज़्यादा छूटेंगे। हाँ हम लोग यहीं बगल में दोस्तों जाते हैं, हमारे बगल में ही दोस्तों कंदवा पोखरा है, यहाँ भी देव दिवाली बहुत ही शानदार तरीके से मनाया जाता है, आतिशबाजी भी होती है दोस्तों।
तो आज हम लोग वहीं चलेंगे। और ये देखिए नहा धो के दोस्तों तैयार हो गए अच्छे से, और मनीषा जी कपड़े वपड़े साफ की थी वो छत पे लाए हैं सुखाने के लिए, क्योंकि दोस्तों अब जाड़े का मौसम आ गया है तो कपड़े नीचे नहीं सूख पा रहे हैं। और ये तो कंबल है दोस्तों मोटा, तो इसको छत पे फैलाए हैं ताकि जल्दी से सूख जाए, है ना मनीषा जी? जी हाँ दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों पापा नीचे काम कर रहे हैं, खेत बना रहे हैं। और काफ़ी दोस्तों हम लोग काफ़ी कुछ बो भी चुके हैं पीछे, गोभी मटर चना आलू सरसों पालक काफ़ी कुछ दोस्तों हम लोग बो भी चुके हैं। हो गया मेला देख सही मुझ करिए। चलिए फिर चला जाता हूँ। हो गया ये डब्बा ले लीजिए। ले ले चलिए दोस्तों चलते हैं नीचे अब। कैसे चल रहे हैं? हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। और देखिए दोस्तों शाम को 6 बज रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं दोस्तों कि चलें घूम आएं और आपको भी दोस्तों घुमा आएं। आज देव दिवाली है, आप चाय पी लीजिए। तो दोस्तों आज देव दिवाली है, जैसा हमने बताया था सुबह में दोस्तों कि घाट पर दोस्तों बहुत ही बढ़िया नज़ारा होता है। तो आज हम लोग दोस्तों दुकान बंद कर दिए हैं और सोच रहे हैं कि चले थे थोड़ा सा घूम आए और आप लोग को भी दोस्तों घुमा दे दिखा दे वहाँ का नज़ारा। तो हम लोग दोस्तों जाएंगे, कहाँ जाएंगे मनीषा जी? अस्सी घाट पे हम लोग जाने वाले हैं दोस्तों। दशाश्वमेध घाट पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत जाम और बहुत भीड़ है। तो हम लोग यहीं पास में अस्सी घाट पे जाएंगे और वहाँ से दोस्तों जो भी रहेगा रिकॉर्डिंग नज़ारा वहाँ का दिखाएंगे दोस्तों आप लोगों को। तो बने रहिएगा वीडियो पे। और देखिए दोस्तों मैं तैयार हो गया हूँ और मनीषा जी अभी तैयार हो रही हैं। अब से मैं कह रहा हूँ जल्दी तैयार हो जाइए, शाम हो गया है। थोड़ा सा दर्द दिखिए, तैयार हो जाइए जल्दी। दोनों लोग का देखिए दोस्तों मैचिंग मैचिंग है। देखिए मेरा भी बिल लेग टाइप का है और इनका भी दोस्तों लेग टाइप का है। तो चलिए दोस्तों फिर बने रहिए, आगे चलते हैं बढ़िया से ब्लॉग दोस्तों कोशिश करेंगे बनाएंगे वहाँ का। अंधेरा तो रहेगा लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे दोस्तों कि बढ़िया से बनाएं और दिखाएं कि हमारे बनारस में दोस्तों घाटों पे कैसे देव दिवाली।
दोस्तों अभी हम लोग जो है कि घर वापस चल रहे हैं और रात में जो है कि 9:30 बज रहे हैं और हम लोग यहाँ से पैदल ही चल रहे हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ कैसे कैसे।